आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम आरसी ड्राइवर कैसे बनाएं। जब हमारा एलईडी बल्ब का जो सर्किट है बिल्कुल ख़राब हो जाए या फिर उसकी आईसी ख़राब हो जाए, तब हमें आरसी ड्राइवर जो सर्किट है इसकी ज़रूरत पड़ती है। कोई इसे पीएफ सर्किट भी बोलता है। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सर्किट बनाने से पहले सभी कंपोनेंट को चेक कर लेना कि हमारा कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे मेरे सभी कंपोनेंट नए हैं और ये कैपेसिटर मैंने एलईडी बल्ब का सर्किट है उससे लिया हुआ है और बाकी सभी कंपोनेंट हमारे नए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रिज बना लूँगा। तो ब्रिज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो डायोड का ये ब्लैक वाला हिस्सा है इस साइड, तो इन दोनों को यहाँ पे जॉइंट कर देना है। और इसमें आप देखिए कि डायोड का जो सिल्वर वाला हिस्सा है इस साइड को जॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड मैंने सिल्वर मिलाया है इसमें और इसमें मिलाया है मैंने ब्लैक वाला हिस्से को। अभी आप इसमें इसको चाहे ऐसे कनेक्ट करो, ये देखिए, या फिर इसको ऐसे कनेक्ट करो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस साइड से। तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। इनको अच्छे से यहाँ पे मिला देना है। तो ये हमारा ब्रिज बन के तैयार है। अब डायोड ना लेके पुराना जो एल हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रिज बना के इसका कंप्लीट है। एक रेजिस्टेंस को मैं कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इसके पैरेलल में, जो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया हूँ। रेजिस्टेंस आप किसी भी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारे ये पीएफ है, पीएफ के साथ यहाँ पे मैं इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूँगा। इसका सर्किट बहुत ही सिंपल होगा। मैं लास्ट में आपको इसके वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा एमसीपीसी को जब ग्लो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पीएफ के साथ मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं इन दोनों पॉइंट के ऊपर और हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया इन सभी पॉइंट के अच्छे से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने पीएफ के साथ यहाँ पे अच्छे सोल्डरिंग कर लिया और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके ऊपर भी अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सिल्वर पट्टी वाला हिस्सा है और ये हमारा ब्लैक वाला है पूरा। तो जिस साइड में एक सिल्वर पट्टी और एक ब्लैक, तो ये दोनों पॉइंट हमारे एसी के हैं और ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये हमारा इसका आउटपुट का है। तो एक एसी सप्लाई यहाँ से इन होगी। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पे सोल्डरिंग कर लिया है और यहाँ से देखिए इन दोनों पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर का वायर कनेक्ट होगा ये। तो यहाँ पे देखिएगा जिस साइड ब्लैक वाला है पूरा, ये पूरा ब्लैक है एक साइड का और इधर सिल्वर पट्टी है। तो सिल्वर पट्टी के ऊपर हमारा यहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव लेग कनेक्ट होगा और जो पूरा ब्लैक है वहाँ पे हमारा कैपेसिटर का नेगेटिव लेग कनेक्ट होगा। तो ये इस प्रकार से कनेक्ट होगा यहाँ पे। तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पीएफ के साथ जो एक लेग थी इसको इस साइड में बेंड किया है। अभी यहाँ पे हमारा एक एमओवी लगेगा और एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो हमारा एमओवी इस लेग के ऊपर और इस लेग पे कनेक्ट होगा। तो वो इस प्रकार से कनेक्ट होगा यहाँ पे। मैं सिर्फ समझाने के लिए इस सर्किट का यूज़ कर रहा हूँ और मैं इस सर्किट को किस प्रकार से बनाया वो मैं आपको मैं दिखाऊंगा। तो इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। ये देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर लूँगा। एक इस पॉइंट को ध्यान रहे कि इसका लेग इसके साथ कनेक्ट ना हो, जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव लेग निकली है इसके साथ कनेक्ट ना हो। अभी हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस बचा हुआ है। फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को आप इस लेग के ऊपर भी लगा सकते हो और इसके ऊपर भी। तो दोनों में किसी भी एक लेग के ऊपर फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को लगा सकते हो। तो मैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसके साथ कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। एक यहाँ पे सप्लाई इस प्रकार से दी जाएगी, एक रेजिस्टेंस के ऊपर दी जाएगी यहाँ पे,
जो हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है, और एक हमारा ये जो पीएफ के साथ कनेक्ट है एमओवी, तो इसके ऊपर सप्लाई दी जाएगी। इन दोनों पॉइंट के ऊपर एसी सप्लाई दी जाएगी। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कुछ। और जो हमारी डीसी आउटपुट है, तो उसका एक वायर यहाँ से हमारा पॉजिटिव वायर निकलेगा, और जो कैपेसिटर का नेगेटिव लेग है इस साइड से हमारा नेगेटिव वायर निकलेगा। तो मैं यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव वायर भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो वायर निकाल लिया है, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव। और जो हमारे फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के ऊपर मैं वायर स्लूप थोड़ा सा लगा दूंगा कि यह पॉइंट किसी दूसरे के साथ यहाँ पे टच ना हो। तो ये हमारा 9 वाट का MCPCB है, मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे MCPC का नेगेटिव और पॉजिटिव वायर है, इसके साथ मैंने मल्टीमीटर के दो वायर को भी कनेक्ट किया है, जो एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है। तो यह MCPC जितना वोल्टेज लेगा वो हमारे मल्टीमीटर में शो होगा। अगर इसको 70 वोल्ट से 80 वोल्ट के बीच में अगर हमारा आउटपुट यहाँ मिलता है, तो सबसे बेस्ट आउटपुट होगा इसके लिए। अभी इस यहाँ पे इसका एसी सप्लाई का जो मेन वायर लगेगा वो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सर्किट रेडी है, मैं इसे सप्लाई दूंगा। हमारा मल्टीमीटर भी ऑन है, तो मैं इसे सप्लाई सीरीज में दूंगा फर्स्ट में, उसके बाद हमारा मेन सप्लाई दे दूंगा। तो फर्स्ट में सीरीज में हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा MCPC भी काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रही है, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी आप देख सकते हैं 78 वोल्टेज, 76 वोल्टेज 80 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 81 तक तो सही है, अगर इससे ऊपर यहाँ वोल्टेज होगा तो हमारी MCPC भी जल्दी ख़राब हो सकती है। इस सर्किट को हम LED बल्ब में किस प्रकार से फिट कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसकी ब्राइटनेस है जो हमारे सर्किट वाला LED बल्ब आता है उसकी तुलना में बराबर इसकी ब्राइटनेस है। मैं अभी सीरीज से आपको ग्लो करके दिखाया, अब इसे मैं मेन सप्लाई दूंगा। तो मेन लाइट में भी इसे दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज 76, 78, इससे ऊपर इसका वोल्टेज नहीं जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज है, इसलिए धीरे धीरे जैसे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज इसकी गिरती हुई रहेगी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज है, इसलिए ये वोल्टेज धीरे धीरे यहाँ पे डाउन हो रहा है। और मैं इसे किस प्रकार से बनाया वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये एक हमारा जो सीलिंग फैन में 7 नंबर का जो पेपर आता है वो वाला पेपर है, इसे मैं इस शेप में कट किया हूँ ताकि ये हमारा एलईडी बल्ब का जो बॉडी हाउसिंग है उसमें आसानी से फिट हो सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये देखिए कि इसमें फिट करने के लिए बहुत ही आसानी से अंदर फिट हो गया, ये देखिए। और इसका कोई वायर अंदर से बॉडी के साथ टच नहीं है, काफ़ी सेफ्टी से यह इसमें कनेक्ट हुआ है। और इन दोनों पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम सोल्डरिंग कर देंगे, तो हमारा एलईडी बल्ब को यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में हो जाएगा। अभी मैं इसे यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लगाया, जो हमारा पीएफ है इसके साथ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, और एमओवी हमारी दोनों एसी सप्लाई के ऊपर यहाँ कनेक्ट है, और ये हमारा यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को कवर किया हुआ है जो स्लू लगा रखा हूँ मैं यहाँ पे। और ये हमारा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे 68 माइक्रोफेड 100 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर भी यहाँ पे सक्सेस है इसके अंदर ग्लो कराने में। और मैं इससे आपको जो हमारा 9 वाट एलईडी बल्ब में आता है यहाँ पे 10 LED का, ये MCPC भी है, इसको 60 वोल्ट यहाँ पे चाहिए प्रॉपर ग्लो होने के लिए। तो मैं इसका भी वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर इस MCPCB को 55 या 54 वोल्ट से ऊपर मिले और 60 वोल्ट तक, तब यह काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ग्लो होती है। अगर इसका वोल्टेज 50 वोल्ट मिले तब इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो मैं यह भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो टेस्ट करने के लिए सिंपल है, इन दोनों वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, और मल्टीमीटर के प्रोब को भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा, मेन एसी सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा।
तो मैं यहाँ पे इस MCPCB के साथ इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया हूँ, अब मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है। यहाँ पे जो इसका आउटपुट वोल्टेज है वो भी देख सकते हैं, 57, 56। जो यहाँ पे 10 LED है, एक LED 6 वोल्ट की है, और यहाँ पे जो मैं PF यूज़ किया हूँ वो है किया हूँ 115J। अगर यहाँ पे आप 155J PF का यूज़ करेंगे तो यह LED यहाँ पे जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया, तो लाइक कीजिए। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।